सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अम तोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजय त्रिभुवन महीप सुर नार्य सुर नेत नेत बंत्रेण कहत सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कहाँ बुद्ध प्रभु तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मान जो गुरु रूप खालसा साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी की महाकृपालता हुई दीन दुनिया के वाली चवर छत्र तख्त के मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पित्र हजूरी में पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता हुई है। गुरमुखा की रसभिनी रसना तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए लाह प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी की कथा आप जी रोज़ सरवण करते हो तो इसका समा है। धन गुरु नानक देव महाराज सचे पातशाह श्री राग विच जिवें कृपा करते ने मन चित बिरतियां दी एकाग्रता बना के अपना श्रद्धा भावना नाल गुरु साहब जी का पावन पवित्र उपदेश सरवण करना है। जिवें गुरु प्यारिया ने हुणे दस्सिया भी अज छेवें पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा संगतां साध संगत जी मना रही हैं। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सचे पातशाह जी का अवतार अमृतसर जिले में अमृतसर तो 3 मील की दूरी से पश्चिम वाले पासे लेंदे पासे पिंड वडाली 1595 ईस्वी में सत संगत जी होया। धन गुरु अर्जन देव महाराज सचे पातशाह जी के ग्रह विखे माता गंगा जी एक बार कैसिया इनान करके प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते भी केस सकारे सन तो कुछ पानी दड़िया सट्टा ने वो पिरथी जांदी घर वाली करमा उत्ते पईआं ते उन्हें बहुत खोटे वचन माता गंगा जी दे ताई आखे कुछ होर दुनियावी मेहणे भी दिते। माता गंगा जी ने आण के अपने मालक पंजवें पातशाह जी के चरणा च अरदास बेनती की महाराज सारी दुनिया आण के तुहाडे दर तों झोलियां भर के जांदी तुसीं कृपा करो मेरी झोली विच वी अदात बख्शो पुत्र वाली मैनूं बड़े मेहणे सुनने पैंदे हन। महाराज पंजवें पातशाह जी ने आख्या भई गंगा जी असीं अपने घर लई आपे किदां वचन करिए तुसी ऐं करो भी बाबा बुढ़ा जी वल जाओ वह तुहानू गुरु नानक पातशाह जी के दर तों लै देणगे सारा कुछ। माता गंगा जी गए पहले दिन तो वापस आ गए दूसरे दिन फिर माता गंगा जी गए हथी प्रशादे तैयार किए मिस्से इउं नाल लस्सी वाला बर्तन लिया पैदल चल के पहुँचे बाबा बुढ़ा जी गए उन्हें प्रशादा छकिया माता जी ने बेनती की उम्र विच वड्डे जाण के तो बाबा बुढ़ा जी ने आख्या दातां तां गुरु साहब ही सारियां देण वाले ने असीं तां दर घर दे कूकर हाँ सेवादार हाँ झाड़ू बरदार
उवें ही महाराज सानू वडियाई देनी चाहुंदे आ, दात तां सारी उहनां दे हथ विच ही है। जदों माता जी ने आख्या तुसीं करो कृपा, तां फिर उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने सतसंग जी बचन कीता सी। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜੋਧਾ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਾ ਸੰਜੋਗ, ਗੁਦਰੇ ਮਾਇਆ ਹਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰਬੰਧ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀਂ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ। ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨੀਚਤਾਈ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਤੋ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਈ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲ ਦੇਵੀਂ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਈ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਖਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੇਵੀ, ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਪ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਰੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਇਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨੰਦ ਰਾਮ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਾ ਲਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਮਝਾ ਤਾ ਵੀ ਐਸ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਐਸ ਜੇਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਖਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈ ਸੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿਹਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਲ ਉਹਦੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕਾ ਸੂਲ, ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ, ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਣੀ ਭਾਈ ਚੀਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਚਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੂਕ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਓ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
हजूर ने उथे गुरु नानक पातशाह अगे अरदास बेनती करो जिन्होंने कृपा की वह रक्षा करे। तो सतसंग जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, छेवें पातशाह जी दखा खुलिया, चेचक की बीमारी हट गई। तो सतगुरु ने फिर परमेश्वर का धनवाद किया, सदा सदा हर जापे प्रभ बालक राखे आपे सीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई। आख्या परमात्मा ने कृपा की है, ये जे चेचक दूर की गुरु नानक देव महाराज जी ने की, गुरु अंगद देव जी की कृपा हुई, गुरु अमरदास महाराज जी त्रुठे, गुरु रामदास सचे पातशाह ने कृपा की है। कहिंदे सीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी। ये जे सीतला तो जे चेचक तो रखिया की अकाल पुरख वाहिगुरु ने की, इस करके किसी देवी की बनावत नहीं। इउं महाराज छेवें पातशाह जी की सतसंग जी फिर पालना पोषण होने लगे। महाराज जी की सिक्ख्या ते सारी पालना का प्रबंध बाबा बुढ़ा जी ने अपने हाथ च रखिया, उन्होंने नेजेबाजी घोड़सवारी इसे तरह सारी तरह की विद्या दी गई। महाराज सचे पातशाह जी का शरीर करके सतसंग जी स्वरूप कवि संतोख सिंह जी ने बहुत सुंदर लिखिया। सो महाराज ने ऐसी कृपा की सतसंग जी छेवें पातशाह जी की बाबा बुढ़ा जी की निगरानी में देख रेख हुई। समा आ गया पंजवें पातशाह जी ने सतसंग जी लाहौर सद्या गया। जाने तो पहला महाराज ने कुछ बचन किए बाबा बुढ़ा जी नाल, छेवें पातशाह जी के प्रथाए पांच सिखां नूं नाल लिया। पंजवें पातशाह उत्थे पहुंचे, महाराज की उत्थे शहीदी हुई। उन्हें पंजां गुरु के सिखां ने आण के छेवें पातशाह जी नूं आख्या भी तुहाडे पिता सतगुरु जी का हुक्म सी भी हुण फौज रखनी है, ते जिहड़ा जबर है इहदा टाकरा असीं सबर नाल करके वेख लिया, पर सबर नाल जबर नूं नथ नहीं पई, इस करके हुण तुसीं सच का दूसरा रूप इन्हां नूं विखाउणा जिहड़ा शक्ति वाला। 11 साल की उम्र में सतसंग जी महाराज छेवें पातशाह जी संघासन से सुभायमान होए। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या सहली टोपी हुण तोशेखाने च रख दिओ, तलवारां लिआओ दो। दोवें तलवारां महाराज छेवें पातशाह जी दे गल सतसंग जी बाबा बुढ़ा जी ने पहनियां, दो तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। सतसंग जी विद्वान गुरमुखां ने लिखिया, वह कहिंदे ने मीरी दी तलवार जिहड़ी है पातशाहां तों उन्हां दी मीरी खोवेगी, ते पीरी दी तलवार जिहड़ी है पीरां तों पीरी खो लवेगी। हुण सब शक्तियां गुरु घर विच ही प्रतख रूप च आउणगियां, उहनां नूं असीं नत्थ पा देंगे। महाराज संघासन ते बैठे, उन्होंने ऐलान कर दिता सानू प्रसन्न करना है, ते इस वेले सानू सोहणे शस्त्र सोहणे घोड़े ते सोहणी जवानी की लोड़ है। 52 विशेष करके सतसंग जी शस्त्रधारी छेवें पातशाह जी ने अपने नाल जिहड़े सिख सन उह सुरक्षा वजों रख ले, जिन्हां वल वेख के बाकी संगतां दा बड़ा हौसला वधिया। बहुत सारे सतसंग जी गुरु के सिख आण के महाराज जी की फौज में भर्ती होए। बहुत सारे गुरु के सिख कुछ सतसंग जी मालवे तो दुआबे तो आए माझे तो आए, उन्होंने आ के आख्या महाराज तुहाडी फौज में रहना। हजूर ने आख्या पैसे किन्ने लोगे, उन्हें आख्या महाराज सिर्फ 2 वेले का प्रशादा ते 6 महीनों बाद तन ढकन जोगे कपड़े, तुहाडे दर की सेवा करनी है, पैसे नहीं लेने। बहुत सारे सतसंग जी पैसों से भी महाराज ने फौजी भर्ती किए, जिन्हों में पैदे खां भी सी। जदों महाराज ने सतसंगत उत्थे अखाड़ा लाना शुरू कर दिता, शस्त्र विद्या देनी, घोड़सवारी करवानी, उन्होंने जंग के करतब सिखाने, शिकार खेडण वास्ते जाना, तो जिहड़े भरम वाले सिख सन उन्होंने महाराज की निंदा शुरू करती, क्योंकि कोई भरोसे वाला ही गुरु कौतकां ते सतसंग जी यकीन रख सकता, नहीं तो अपनी बुद्धि नाल भी बड़ा कुछ लोग सोचते हैं। ये अज की गल नहीं, उदों भी इदां ही चलता सी। किसी ने आख्या ये महाराज ने किहड़ा काम फड़ लिया, पहले सतगुरु सी धर्मशाला च बह के लोगों को उपदेश देंदे सन, ये टेके बहिंदे ही नहीं किते। पहले सतगुरु सी पातशाह उन्होंने कोल आप चल के आते रहे, इन्हों फड़न दियां ते कैद करन दियां मेहनत चलन डईयां। पहले सतगुरु सी वह मंजी ते बह के उपदेश देंदे सन, इन्हां शिकारी कुत्ते रख ले ते शिकार खेडदे जानवर मारदे फिरदे आ। पहले सतगुरु सी उन्होंने बाणी उचारी जां गाई जां सुनी जां कही, ये बाणी भी नहीं उचारदे, ये किहड़े काम लग गए आ। तो भाई गुरदास जी ने सतसंग जी, क्योंकि कुछ यकीन वाले भी सन, सारे भरम वाले नहीं, जिहड़े यकीन वाले सन, बाबा लंगाह जी, सतसंग जी, भाई विधि चंद जी, भाई जेठा जी, भाई पुराणा जी, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, बहुत सारे ऐसे गुरु के सिख सन जिन्हों का टुट विश्वास भी जो महाराज करते हैं ये करते धरते ने सारी सृष्टि से, इन्हों की अपनी मौज है। जिहड़े भरमी सन उन्होंने सतसंग जी फिर मत देने वास्ते भाई गुरदास जी ने कुछ बचन किए उस वेले, जिहड़े कहिंदे सन ये महाराज ने किहड़ी रीति फड़ ली आ, पहले गुरु साहब का धर्मशाला च बह के सिर्फ बाणी का उपदेश बाणी गाउणी ते कहणी इन्ना ही उन्हां दा काम से, इन्हां किहड़ा काम फड़ लिया। भाई गुरदास जी ने सतसंग जी उन्होंने मत देने वास्ते उन्हां दे सवाल भी दसे, ते मगरों अपना सिद्धांत भी दसिया भी गुरु के सिखो जे सिख होना ते गुरु ते शंका नहीं करना कदी वास्ते। वह लिखते कहिंदे धर्मसाल कर बही दा एक थान ना टिके टकाया। भाई गुरदास जी के बचन कहिंदे पहले गुरु सी धर्मसाल च बहिंदे सी, ये एक थान ते टेके बहिंदे ही नहीं। फिर कहिंदे पातशाह घर आम दे गढ़ चढ़िया पातशाह चढ़ाया, पहले गुरु साहबां दे दर्शन करन बादशाह आप आउंदे सन, इन्हां नूं फड़न दीआं मेहनतां बणाईआं जा रही। कहिंदे उम्मत महल ना पावणी, नठा फिरे ना डरे डराया,
संगत दर्शन करने वास्ते आउंदी कहिंदे हुंदे नहीं आउंदे नूं अमृतसर नठे ही फिरदे शिकार ते ऐनू चले गए ऐनू नेजेबाजी करन चले गए ऐनू घोड़ा भजा लिया कहिंदे जे कहिंदे आ भी तुसीं डरो थोड़ा बहुत ते डर इहनां दे हिरदे च ही नहीं है फिर कहिंदे मंजी बहि संतोख दा कुत्ते रख शिकार खिलाया पहले सतगुरु मंजी ते बहिंदे सन उपदेश देंदे सन इहनां कुत्ते रख दे शिकार खेडण लग पए फिर कहिंदे बाणी कर सुन काम दे कथे ना सुने गाव सुनाया पहले सतगुरु जी बाणी कहिंदे सन उचारदे सन सुनदे सन गाउंदे सन इन्हां ने बाणी उचारनी भी बंद कर दित्ती है फिर कहिंदे सेवक पास रखियन दुष्ट दुखी मोह आगू लाया महाराज पहले जिहड़े सतगुरु होए पंजे सतगुरु सिखां नूं सेवादार वजों रखदे सन इन्हां मुगल भर्ती करने शुरू कर दित्ते आ जिहड़े दुखी गुरु घर दे जिहड़े दुष्ट उन्हां पैदे खा वर्गियां नूं आप दुध पिआउण दी ड्यूटी ला दित्ती है बड़ी निंदिया सा संगत जी कहते भाई गुरदास जी ने अखीर अपना सिद्धांत दस्या कहिंदे ओ गुरु के सिखो ये सिखी वाला है नहीं जे नाता तुहाडा महाराज ते शंका करदे जे कहिंदे सच ना लुकै लकाया चरण कमल सिख लवाया ये सच का दूजा रूप जे ते सच लुकना नहीं जे ये पंजवें पातशाह जी की ड्यूटी उन्हां दा हुक्म सी ते छेवें पातशाह जी की ड्यूटी है धर्म की रक्षा करनी जुल्म का विरोध करना क्यों आख्या ओ कहिंदे ने जे तुसां उत्थे भाई गुरदास जी ने कुछ प्रमाण दिते कहिंदे सच ना लुके लकाया चरण कमल सिख लवाया जिहड़े महाराज के चरणा कमलों के भवरे आ उह ते महाराज ते यकीन करदे आ ते उहनां दे हर कौतक ते लुभाएमान हुंदे क्योंकि सच ने हुण रूप वटा लिया पहला सच साध संगत जी सबर नाल मुकाबला करदा रहा हुण सच शक्ति नाल मुकाबला करेगा कहिंदे ने अजर जरे ना आप गणाया छेवें पातशाह जर शक्ति नूं जर के बैठे आ आपां ते जणाउंदे नहीं इह ते सिर्फ उहनां ने हुण जालम दे हथ चों तलवार छडाउण वास्ते अपने हथ च तलवार फड़ी आ कहिंदे ने जिवें खेती नूं साध संगत जी बचाउण वास्ते वाड़ कंडियाली करनी पैंदी है फिर कहिंदे ने बाग लाया होवे फलां वाला ते बाग दे दुआले किकरां बीजणियां पैंदियां बाग दे मालक नूं फलां दी राखी वास्ते फिर कहिंदे चंदन दी राखी वास्ते परमात्मा ने सप बना दित्ते जिहड़े हर वेले उहनूं घेरा पाई रखदे आ जे किसे ने अपना घर बचा के रखणा उहनूं दरवाजे नूं जिंदरा मारना ही पैणा जां फिर उहनूं कुत्ता राखी लई बिठाउणा पवेगा जां चौकीदार भाई गुरदास जी ने लिखिया उह कहिंदे ने खेती वाड़ सो ढींगरी फिर कहिंदे आ बाग वास्ते साध संगत जी खेती वास्ते कहिंदे ने कंडियाली वार जरूरी लाउणी पैंदी आ फिर कहिंदे किकर जिवें किवें सो है बाग है जिवें बाग आ ते बाग दे दुआले किकरां लाउणियां पैंदियां कंडियालियां भावें उहनां दा काम कोई नहीं पर उह रख्या करदियां रख्या वास्ते कहिंदे लाउणी पैंदी आ सप लपेटा चंदन है कहिंदे सप ने सप्पां ने लपेटा मारिया हुंदा चंदन नूं ते चंदन नूं तां नहीं ते लोक रहि नहीं ना देण जंगल विच उहदी राखी वास्ते सप उत्थे बैठे परमात्मा ने नेत इस तरां दी बना दित्ती जिथे चंदन होवेगा सप उहनूं साध संगत जी लपेटे मार के बैठे होणगे ते कहिंदे ने बूहे जंदरा कुत्ता जागै भाई गुरदास जी कहिंदे जे घर दी राखी करनी गुरमुखो फिर दरवाजे नूं जंदरा मारना पैणा जिवें खूह विचों पाणी साध संगत जी लज नाल डोल बद्धे तों नहीं निकलदा जे काले सप कोलों मणी लैणी होवे तां सप नूं मारना पवेगा जे हिरन कोलों कस्तूरी लैणी तां हिरन दा शिकार करना पैणा अपने आप हस के सप ने मणी नहीं देनी ते हिरन ने कस्तूरी नहीं कदे भी देनी जे जुल्म नूं बंद करना तां कहिंदे ने फिर करड़े हथ विखाउणे पैणगे उन्नी देर इह भाई गुरदास जी दे बचन नूं आखिया गुरु के सिखो तुसीं सिख ही नहीं जिहड़े महाराज ते शंका करदे जे जिहड़े महाराज के चरणा के भवरे आ वह गुरु के हर कौतक उत्ते यकीन करी बैठे आ ते सब तो वड्डे सिखी दे थम ने बाबा बुढ़ा जी जे बाबे बुढ़े नूं कोई शंका नहीं तुहानूं कहदा शंका फिर साध संगत जी उन्हां दे दिल नूं थोड़ी कतीर जाई महाराज छेवें पातशाह जी ने फौज रखे नगारे ते चोटां पईआं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी 1609 विच लोहगढ़ किले की उसारी की 1609 विच ही अकाल तख्त साहब का साध संगत जी थड़ा बनाया अकाल तख्त की रचना की क्यों क्योंकि उधरों साध संगत जी बादशाह वालों हुक्म सी भी 2 फुट तो उच्चा कोई थड़ा नहीं बना सकता महाराज ने साध संगत जी 7 फुट के लगभग थड़ा बना के ते आप इहदी तैयारी में हिस्सा पाया तो सिर्फ बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी लगे तीजा कोई सिख नहीं सी साध संगत जी इहदी उसारी चलाया आखिया ये अकाल का तख्त तैयार हुंदा उहदा नां रखिया तख्त अकाल का नगारे ते चोटां मारियां घोड़ सवारी शस्त्रबाजी ते जदों किला उसार लिया उदों फिर साध संगत जिहड़ियां शिकायतां बादशाह दे कोल बहुत पहुंचियां उहने चढ़ाई कीते 4 जंगां कीतियां 4 जंगां विच महाराज जी की जित होई ते महाराज ने साध संगत जी एक फिर सिद्धांत दृढ़ करवाया जिसनों भाई गुरदास जी ने कथन किया कहिंदे 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावण वारो वारी कहिंदे फर्क की है पंजवें पातशाह ने ही सरूप वटारिया छेवें पातशाह जी के रूप में ऐसे छेवें पातशाह जी का साध संगत जी अवतार दिहाड़ा संगत अज मना रही हैं तो थोड़ी कटूक मात्र बेनती साध संगत जी अपनी ड्यूटी समझ के की आओ आप लड़ीवार कथा हुण सरवण करनी है
बाकी महाराज छेवें पातशाह जी के गुणों सत्संग जी आप कल दोपहर के दवाना में चेते करांगे जिमें सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करे और जिमें गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते राग श्री राग में मन की एकाग्रता बना के अपने भले वास्ते मन की मैल लाने वास्ते सत्संग जी अपने परलोक नूं ते लोक नूं सवारन वास्ते गुरु साहब जी का उपदेश सरवण करिए जी। गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर शब्द की प्रारंभता तो भावें सत्संग जी कल हुई सी पर एक ही पौड़ी हुई सी इस करके गुरमुखा ने उपरों शुरू किया गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर। जिस वेले गुरु तो सत्संग जी निर्मल नाम की प्राप्ति होंगी तो जानीदा ना उस परमात्मा उस वेले कहिंदे स्थूल ते सूखम शरीर समेत मन दे सारा कुछ निर्मल हो जाता है। निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर वो निर्मल परमात्मा सत्संग जी मन जान के वसदा ते फिर विछोड़े की पीड़ नूं समझदिया होया गुरु के सिखां दा विछोड़ा दूर कर दिंदा वो अपने नाल मिलाप करवा लैंदा फिर प्रेमियां दा सहज ते सुख अगलो ना लागे जम तीर फिर जदों परमेश्वर नाल मिलाप होवे कहिंदे ने फिर ज्ञान दी प्राप्ति है ज्ञानवान नूं सदा वास्ते सुख हुंदा ते बहुत सुख हुंदा सहज ते सुख अगलो अगलो हुंदा बहुता सहज हुंदा ज्ञान ज्ञान करके बहुता ज्यादा सुख है ना लागे जम तीर कहिंदे फिर जमा दा तीर भी नहीं नेड़े आ सकता जिन्हां उत्ते महाराज ने कृपा कीती है। भाई रे मैल नाही निर्मल जल नहाई कहिंदे भरावा नाम रूपी जल दे नाल अपने मन दा इशनान करवाया कर सत संगत रूपी सरोवर विच आण के रोज तेरे मन नूं फिर पापां दी मैल ना लगेगी। निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए कहिंदे एक परमात्मा ते उहदा नाम ही निर्मल है बाकी सारी सृष्टि नूं संस्कारां दी मैल लगी है इहनूं इस मैल नूं लाउण वास्ते सतसंग जी असल विच गुरु साहब ने अवतार लिया इस मैल नूं मनां दी नूं लाउण वास्ते सतसंग जी महाराज ने नाम दा छट्टा दित्ता इसे मैल नूं दूर करन वास्ते सतगुरां बाणी उचारण कीती इसे मैल नूं दूर करन वास्ते साडे मनां दी नूं महाराज ने सत संगत वाली प्रपाटी चलाई कहिंदे सब लोकां दे मनां नूं संस्कारां दी मैल है गुरमुखो इह मैल लाउणी है ते फिर परमात्मा दे नाम नूं जपिया करो रहाओ विश्राम दे के कृपा करदे हन जी। हर का मंदर सोहणा किया करण हार इत्थों सतसंग जी आपां कल छड्डी सी कथा दी इह प्रसंग हर का मंदर सोहणा किया करण हार कहिंदे संसार सारा हरी दा मंदर जे ते इहदी साजना परमात्मा ने आप कीती है कल आपां प्रमाण सतसंग जी गुरबाणी चों लिया सी जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास संसार नूं सच्चे दी कोठी आख्या पर उन्हां वास्ते जिहड़े सतसंग जी सच नाल जुड़े दूजिआं वास्ते नहीं सारिआं लई संसार सच्चे दी कोठी नहीं सारे संसार नूं नहीं सतसंग जी संसार सच दा रूप दिसदा आपो आपणी बिरती है किसी नूं सतसंग जी इह सच दा रूप दिसेगा ते किसी नूं इह सिर्फ रंग तमाशिआं दा थां किसी नूं गुरतागद्दी दा संघासन लोक परलोक च सहाई बनण वास्ते संगतां दे दिसदा ते किसी नूं सिर्फ ऐशो इशरत दा साधन वी जिथों पैसे आ सकदे आ दृष्टि दृष्टि का सतसंग जी फर्क है। हरनाक्ष ने प्रहलाद नूं पुछया तत्ता करके थम नूं भई इत्थे है तेरा परमात्मा उन्हें आख्या है उन्हें कहा फिर मैनू क्यों नहीं दिसदा प्रहलाद ने आख्या तैनू भी दिसेगा पर सरदा सरदा का फर्क है मैनू होर तरह दिसदा तैनू होर तरह दिसना है इत्थे ही मेरी रख्या करेगा तेरा नाश करेगा भावना का फर्क आ दृष्टि का फर्क नज़र का फर्क रब एक ही है उहदे बनाया तू तो उहदा ही बनाया मैं आ पर मेरे मेरी दृष्टि का फर्क होने करके मेरी उन्हें रख्या करनी है तेरी दृष्टि का फर्क होने करके तैनू मारना रब कित दूर नहीं फर्क तो दृष्टि का किसी वास्ते संसार अमृत किसी लिए संसार जहर है कहिंदे असल में है यह संसार परमात्मा का मंदिर ही ये ही सतसंग जी वसदा किवें वसदा सियाने लोग कहिंदे ने भई जे सतसंग जी बर्तन तैयार करने वाला वीर बर्तना की तैयारी करता है वह अपने घर हुंदा बर्तन दुकाना ते फिर लोगों के घर तुरे फिरदे है बर्तना के नाल नहीं जा सकता जिहड़ा सुनियारा सतसंग जी सोने के गहने तैयार करता गहने घरों घरी चले जाते दूर तक तैयार उन्हें किए वह गहने का करता पर अपने घर बैठा गहने के नाल नहीं गया पर परमात्मा ने सतसंग जी ये संसार बनाया वह परमात्मा का परमात्मा संसार का करता है तो ये तो वक्रा नहीं ये नाल ही हर शरीर में बैठा जिन्हें शरीर की उन्हें रचना की जोत तो कला बन के वह सारे शरीर के अंदर ही है इस करके संसार नूं परमात्मा का मंदिर आख्या कहिंदे ने इह हर का मंदिर सोहणा किया करणे हार बनाया किन्ने आ उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने बनाया है जी। रब सस दीप अनूप जोत तिरपावन जोत अपार कहिंदे इस संसार रूपी मंदिर विच रब सस दीपक दो दीवे बना दिते उन्हें रब हुंदा सतसंग जी सूरज ते सस चंद्रमा
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੀਵੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਅਨੂਪ ਜੋਤ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਰਵਸਸ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਉਸ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋ ਉਸ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੇ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਾਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਟੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਕੋਠੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ, ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ ਵਾਸਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੀਵਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਦੀਪਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ। ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਬਰਾਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਵਨ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਗੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਟ ਪੱਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ। ਹਾਟ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹਿਰਦਾ, ਪੱਟਣ ਸਰੀਰ, ਗੜ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ 72 ਅਵਸਥਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 72 ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਸਹਾਈ ਆ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸੱਤ ਸੰਗੀ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮਿਆ, ਚਿੱਤਰ ਚਲਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸੁਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦ ਵਾਲ ਗਣਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੁੰ ਦੰਦ ਕੇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕੰਨ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਭਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਰਾਵ ਸਸ ਦੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵ ਤੇ ਸਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੀਵੇ? ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਨੇਤਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਦੇਖਣ ਦੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤ ਸੁਰਤ ਲਿਵ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ।
शक्ति की दी है पिछे काम कर दी, सुनने च शक्ति परमात्मा दी, देखने च शक्ति परमात्मा दी, ये अखां दी बनतर भी उन्हें बनाई ते फेरे दे विच जोत भी उसे दी है, त्रिभुवन जोत अपार। फिर कहिंदे सोहना शरीर साज के ते इन्हां तिन्नां शरीरां विच जोत उस परमात्मा दी काम कर दी। तीन शरीर किहड़े, एक स्थूल शरीर है पंजां तत्तां दा, एक इहदे अंदर कारण शरीर है सतारां तत्तां दा, सो एक इहदे अंदर सूखम स्थूल है सतारां तत्तां दा, सूखम शरीर ते एक कारण शरीर है तिन्नां तत्तां दा, जिस शरीर करके ये दोवें शरीर सत्संग जी मिलते हैं, जिहड़ा इन्हां दोवां शरीरां दा कारण रूप है वह ते तन ते तीन तत्त मन्ने, सूखम जिहड़ा शरीर सत्संग जी उहदे सतारां तत्त विद्वानां ने मन्ने, आ स्थूल शरीर जिहड़ा ये पंजां तत्तां दा बनिया। कहिंदे इन्हां तिन्नां शरीरां च वर्त कौन रहा, अकाल पुरख वाहिगुरु, तिन्नां शरीरां विच उस परमेश्वर की जोत काम करदी है। हाड़ पटन गढ़ कोठड़े, फिर कहिंदे ने इहदे विच हाड़ हटण हिरदा पटन ये शरीर, गढ़ दसवां द्वार ते कोठड़ी मन दीआं अवस्थावां जिहड़ियां विद्वानां ने 72 मन्नियां, सच सौदा वापार। कहिंदे इस शरीर दे विच तूं आ गया गुरमुखा, ये शरीर तेरे तो चलिया जावे, ये तो पहला सच का व्यापार कर, कुछ परमात्मा की प्राप्ति कर, इन्हें सदा नहीं तेरे को रहना, जो जन्म है सो जन्म मूगा, ये चलिया जरूर जाएगा। बहुत सोहना बचन सत्संग जी किसी विद्वान ने लिखिया संसार की बाबत शरीर की, वह कहिंदा मौला तेरी दुनिया फानी देखी, हर वस्तु जगत की आनी जानी देखी, जो आ करना जाए वो बुढ़ेपा देखा, जो जा करना आए वो जवानी देखी। कहिंदे सारी चीज मैं जो निर्णय करके वेख्या संसार ते आउण जाण वाली है, कुछ भी इत्थे रहण वाला नहीं, एक बुढ़ेपा वेख्या जिहड़ा आवे ते मुड़के जांदा नहीं, नाल ही रहके जांदा, कि जवानी देखी चली जावे ते मुड़के नहीं आउंदी, री जवानी बावरी एक बार तो आओ, विद्वानां लिखा लोक तरले मारदे आ भैया जावे ना पर इन्हें रहना कोई नहीं, ते बुढ़ापा आ जावे ते लोक कहिंदे हुण चलिया जावे, कहिंदे इन्हें नहीं जाना तैनूं नाल लैके जावेगा, ये जवानी वर्गू इदा नहीं जाना, इन्हें बचपन वर्गू तेनों छड़ के नहीं जाना, हुणे तेनों नाल ही लैके जाएगा, ये आ गया तो इन्हें इदा नहीं जाना। सो कहिंदे ने यह शरीर चलिया जाए, ये तो पहला सच सौदा वपार, गुरमुखा वपार का सौदा, कुछ नाम का वपार कर, कुछ सच का सौदा अपने पले बन ल तू। ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए, कहिंदे जिन्होंने अपने मनबोध रूपी नेत्रां च सतसंग जी महाराज जी के उपदेश का ज्ञान का सुरमा पा लिया, भय भंजना उन्होंने जमा का भय दूर कर दिता, देख निरंजन पाए, ज्ञान का सुरमा मनबोध रूपी नेत्रां च पिया, ते निरंजन ने अकाल पुरख वाहिगुरु नूं बड़े प्रेम नाल सब थावां ते देख लिया उन्होंने। गुप्त प्रगट सब जानी है जे मन राखै ठाए, कहिंदे जे तू मन नूं टिकाणे कर लवे ना नाम जप के, ते गुप्त प्रगट सब थावां ते परमात्मा ही दिस पवेगा तैनू, ऐसा सतगुर जी मिलै ता सहजे लई मिलाए, पर कृपा किने करनी, कहिंदे पूरे गुरु ने, ऐसा सतगुर जे मिला, जिहो जिहा पूरा ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्म नेष्टी गुरु मिल पवे ते फिर तेनूं उह परमात्मा नाल मिला देवेगा। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, ते कई वार उह अपने बचना की कसवटी ला के सतसंग जी सिख दे प्रेम नूं परख भी लैंदा, भावें भाई मांझ ने आपां नूं बख्शा ते दिता पर उहदे उत्ते कसवटी पूरी लगी सी, उहदे प्रेम नूं परख लिया सी, कहिंदे कई वारी परख कर लैंदा उह गुरु के सिखां दी किन्ना किहदे अंदर प्रेम है। खोटे ठौर ना पाए नी खरे खजाने पाए, जिवें कसवटी उत्ते सोना लाईदा जिहड़ा खरा सतसंग जी उहनूं सुनियारा सांभ के रखदा, जिहड़ा खोटा उहनूं सुट देवेगा, इसे तरह जदों गुरु बचना की कसवटी ला के सिख दे हिरदे दे प्रेम नूं सतसंग जी परखदा ते प्रेम वालियां नूं अपने विच भेद कर लैंदा, जिहड़े खोटे ने सतसंग जी उहनां नूं फिर उपरे जूनां वल धक्क दिंदा, क्योंकि सच ते झूठ दा मेल नहीं हुंदा आपो विच दी, जिहड़े सच्चे जिहड़े खरे है उह गुरु दे सरूप च भेद होणगे, जिहड़े झूठ नाल जुड़े ने उह जूनां च धक्के खाणगे जी। आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए, कहिंदे ने इह जिहड़ियां संसार दीआं आसां अपने मन चों कढ के अंदेसा जिहड़ा फिकर आ ना तैनूं चिंता, यह सारा फिक्र चिंता दूर कर दे, इउं तेरे मन की मैल उतर जाएगी, नाम जप उस गुरु के चरण परस जिहड़ा पूरा गुरु है, मन की मैल उतर जाएगी ते जाए समाए, फिर कहिंदे तेरी समाई अकाल पुरख वाहिगुरु दे विच ही होवेगी, फिर तेनू इउं ठोकरां ते ठेडे ना खाने पैणगे, पूरे गुरु के चरणी लग। तो महाराज ने यह सतसंग जी सुभाग आपां नूं बख्शिया भी पूरे गुरु की शरण में आपां बैठे हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां नूं सतसंग जी दसे पातशाहियां नमस्कार करदियां, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कृपा की यह सुहावना समा सतसंगत का बख्शिया, महाराज जी रहमत करन उन्हां दा सतसंग जी कोई वचन साडे हिरदे च वसे जिस करके अपना संसार ते आउणा सफला होवे जी। बहुत सारियां भुल्लां
महाराज जी की वडियाई करद हो जा भुला चुका की संगत ने क्षमा बख्शनी जी लिखा कदे न छूटी जाए खन खन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार प्रेम नाल फतेह का जवाब दो बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।